दोस्तों स्वागत है आपका इस YouTube चैनल सेलिब्रिटी टॉक पे। दोस्तों आज मैं एक ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में बात करने वाला हूं जो अब सेलिब्रिटी नहीं रही, अब वह एक ईमान वाली बन चुकी है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं सना खान के बारे में, जो हमेशा के लिए बॉलीवुड को छोड़ दी है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक अहम बात बताने वाला हूं जो आपके लिए जरूरी भी हो सकता है कि असल जिंदगी में करना क्या है। दोस्तों सना खान ने कही है कि अपने नफ्स पे कैसे काबू पाना है, गुनाहों से कैसे बचना है और इस दुनिया में अगले दुनिया के लिए तैयारी कैसे करना है। दोस्तों अगर मैं कहूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलिए शॉर्ट में सना खान का वो वीडियो देख लेते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो इस बातों पे अमल कीजिए और गुनाहों को करने से जरूर बचिए। कि अपनी नफ्स को हर उस चीज से रोकना जिसे अल्लाह ने ना करने का हुक्म दिया है। जैसे कि अगर आप यहाँ बैठे हैं और आपके सामने से कोई गैर महरम निकल रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसी वक्त अपनी नजरें झुका लें। जब आप उस वक्त अपनी नजरें झुका लेते हो, अल्लाह पाक आपके पुराने सारे गुनाह माफ कर देता है। इसी तरह से अपने कानों से वही चीज सुनो जिसे अल्लाह ने इजाजत दी है और उन चीजों से बचो जिसे अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है। अपने हाथों को भी उसी चीज के लिए इस्तेमाल करो जिसे अल्लाह ने इजाजत दी है और उसी उस चीजों में ना इस्तेमाल करो जिसे अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है। यही होता है जब आप इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, तब आप जब अपनी नमाज भी पढ़ते हो, आप देखोगे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, और जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरा ध्यान नमाज से निकल जाता है या मैं कुछ और ख्यालात में खो जाती हूँ या खो जाता हूँ। हम लोगों के साथ, मेरे साथ भी बहुत हुआ, हम सबके साथ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमारी नमाज में अफेक्ट करती है और हमारी नमाज को उस तरीके से होने नहीं देती। तो इसीलिए हमें अपने नफ्स का तस्कीरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देखोगे जब आप ये सब करोगे कि आपकी तिलावत में, आपकी इबादत में एक अलग ही मज़ा आ जाएगा। इसीलिए अल्लाह पाक कहते हैं ना, अगर देख देख कर मेरी रियायत के हिसाब से आप ज़िंदगी गुजारोगे तो आप कामयाब होगे। और कामयाबी कौन देता है? अल्लाह। हम कामयाब होने के लायक ही नहीं है खुद से। रिस्क अल्लाह देता है, कामयाबी अल्लाह देता है, इज्जत दौलत शोहरत जिल्लत हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने नफ्स पे कंट्रोल करें और अल्लाह की सारी बरकतों का मजा लें। दोस्तों आपको सना खान की यह वीडियो, यह आवाज, यह बोली, यह अंदाज कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर आप सना खान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, उसके अंदर जो यह तब्दीली है उसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा।